तो हेलो भाई लोग, तो चलो आज सदियों बाद हम डीसी के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो आई होप कि अब डीसी फैंस मुझे कमेंट्स में गाली नहीं बकेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसी से जुड़े काफी सारे अपडेट्स के बारे में, जैसे कि सुपरमैन लेगेसी को लेकर जेम्स गन ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। इसके अलावा क्या हमारा सुपरमैन इस वाली मूवी में अपना ब्लैक सूट पहनेगा या फिर नहीं। इसके अलावा अपनी आने वाली ग्रीन लैंटर्न्स की सीरीज के लिए एक नया कास्टिंग रूमर फैला है, तो चलो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जेम्स गन ने एक बात क्लियर की है कि वो सुपरमैन लेगेसी और पूरे के पूरे डीसीयू को जैक स्नाइडर वाले डीसीईयू से काफी ज्यादा अलग रखने की कोशिश करेंगे। मतलब कि वो इसे काफी ज्यादा साईफाई टोन देंगे, जो कि तुम सुपरमैन लेगेसी का पोस्टर देखकर भी पता लगा सकते हो, और ये काफी ज्यादा मॉडर्न वर्ल्ड में टेक प्लेस करेगी। लेकिन जेम्स भैया, मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हारा डीसीयू का वर्ल्ड इतना ही ज्यादा मॉडर्न है, तो उसमें तुम्हारा सुपरमैन पैंट के ऊपर चड्डी क्यों पहन रहा है अभी तक। इसके अलावा ऐसे भी हैवी रूमर्स आ रहे हैं कि इस मूवी में अपना सुपरमैन अपने ब्लैक सूट को भी पहनेगा, और भाई साहब कसम से बता रहा हूँ, अगर ऐसा हो गया तो मैं जेम्स गन का और भी बड़ा फैन हो जाऊंगा। बस जेम्स गन सुपरमैन की वो चड्डी हटा दो प्लीज। लेकिन अगर उन्होंने ब्लैक सूट दिखाया तो लोग इसे हेनरी कैविल के ब्लैक सूट वाले सुपरमैन से पक्का ही कंपेयर करेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। वैसे तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है, हेनरी कैविल का सुपरमैन या फिर ये नया वाला सुपरमैन यानी कि डेविड कोरेनस्विट का सुपरमैन? खैर, इसके अलावा डीसी अगला अपडेट ये है कि हमें पता है कि अपने जेम्स गन भैया सुपरमैन मूवी के बाद द लैंटर्न सीरीज पर काम करेंगे, जिसके लिए उन्होंने कास्टिंग करना भी शुरू कर दिया है। और ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि हमारे थैनोस चचा यानी कि जॉश ब्रोलिन से बात हो रही है डीसीयू में हेल जॉर्डन के ग्रीन लैंटर्न को प्ले करने के लिए। और अब इससे पहले कि तुम ये बोलो कि वो काफी ज्यादा एजेड है, तो इस सीरीज में यही कहा जा रहा है कि हेल जॉर्डन काफी ज्यादा एज्ड होगा, जो कि हमारे दूसरे ब्लैक वाले ग्रीन लैंटर्न को सिखाने का काम करेगा। लेकिन इस सब के बारे में मैं तो जॉश ब्रोलिन से यही कहना चाहूंगा कि भाई साहब देख लो, जब तुम्हारे डेडपूल ने ये वाला कैरेक्टर प्ले किया था तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मतलब भाई उसे आज तक सपने आते हैं इस चीज के, तो तुम भी देख लो। वैसे ग्रीन लैंटर्न इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, तो प्ले किया जा सकता है। हाँ, लेकिन बस अवेंजर सीक्रेट वॉर्स में किंग थैनोस बनकर लौटना मत भूलना। इसके अलावा बस यही कहना चाहूंगा कि GTA 6 आने से पहले प्लीज 2000 सब्सक्राइबर करवा दो।